लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। पीएम मोदी खुद कई राज्यों का दौरा कर बड़ी हुंकार भर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 12 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के उधमपुर में रैली को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा और जल्द ही यहां विधानसभा चुनाव होंगे। परिवार के द्वारा ही चलने वाली पार्टियों ने जम्मू कश्मीर का जितना नुकसान किया, उतना नुकसान किसी ने नहीं किया है। यहां तो पॉलिटिकल पार्टियां मतलब ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली, सत्ता के लिए इन्होंने जम्मू कश्मीर में 370 की ऐसी दीवार बना दी थी कि जम्मू कश्मीर के लोग बाहर नहीं झांक सकते थे और बाहर वाला जम्मू कश्मीर की तरफ नहीं झांक सकता था और ऐसा भ्रम बना के रखा था जब उनकी जिंदगी ये 370 है तभी बचेगी। ऐसा झूठ चलाया, ऐसा झूठ चलाया, आपके आशीर्वाद से। प्रधानमंत्री का ये ऐलान इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी सहित तमाम राजनीतिक पार्टियां आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की मांग कर रही है। अब ऐसे में पीएम का ये ऐलान कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं उधमपुर में हुई जनसभा के दौरान पीएम ने विपक्ष को जमकर घेरा और कांग्रेस को चुनौती दी। क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सुनिए। मोदी विकसित भारत के लिए विकसित जम्मू कश्मीर के निर्माण की गारंटी दे रहा है, लेकिन कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बाकी सारे दल जम्मू कश्मीर को फिर उन पुराने दिनों की तरफ ले जाना चाहते हैं। इन परिवार चलित पार्टियों ने परिवार के द्वारा ही चलने वाली पार्टियों ने जम्मू कश्मीर का जितना नुकसान किया, उतना नुकसान किसी ने नहीं किया है। यहां तो पॉलिटिकल पार्टियां मतलब ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। चुनौती देता हूं, हिंदुस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी हिम्मत करके आ जाए, विशेष करके मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं, वो घोषणा करे वो 370 को वापस लाएंगे, ये देश उनका मुंह तक देखने को तैयार नहीं होगा। वही पीएम ने हाल ही में तेजस्वी यादव के नवरात्रि के दिन पोस्ट किए मछली खाते वीडियो को लेकर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सावन में मटन पकाकर और तेजस्वी यादव नवरात्रि में मछली खाने का वीडियो पोस्ट कर लोगों को चिढ़ा रहे हैं। सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं, इतना ही नहीं उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपनी वोट बैंक पक्की करना चाहते हैं। नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना, अब इस मंशा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो। वहीं दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी नेका ने
कश्मीर घाटी की तीनों सीटों पर अपने पत्ते खोल दिए हैं। आज यानी 12 अप्रैल को नेका प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान किया है कि बारामुल्ला सीट से उमर अब्दुल्ला और श्रीनगर से अगा रुहुल्ला नेका के उम्मीदवार होंगे। इससे पहले नेका अनंतनाग राजौरी सीट से मियां अल्ताफ को मैदान में उतारने की घोषणा कर चुकी है। बता दें कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी नेका गठबंधन में है। दोनों पार्टियों ने तीन तीन सीटें बांट ली है। नेका ने कश्मीर घाटी के तीन सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है। कांग्रेस के खाते में जम्मू संभाग की दो और लद्दाख की एक सीट है। जम्मू संभाग की दो सीटों में शामिल उधमपुर पर चौधरी लाल सिंह और जम्मू कश्मीर पर रमन भल्ला कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। लद्दाख की सीट पर अभी कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया है। वहीं पीडीपी गठबंधन से अलग चुनाव लड़ेगी। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से महबूबा मुफ्ती खुद चुनाव लड़ेंगी। इसके साथ ही पीडीपी ने श्रीनगर सीट से वहीद उर रहमान पर्रा और बारामुल्ला सीट से फयाज अहमद मीर को मैदान में उतारा है। वही अनंतनाग राजौरी सीट से डीपीएपी प्रमुख गुलाम नबी आजाद भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने जम्मू कश्मीर की पांच लोकसभा सीटों में से सिर्फ दो सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को उधमपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर सीट से जुगल किशोर शर्मा को पार्टी ने टिकट दिया है। पांच लोकसभा सीटों पर होगा रोचक मुकाबला। जम्मू कश्मीर में बीजेपी एनडीए गठबंधन के साथ सभी पांच सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेगी। वहीं जेकेएनसी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा होने के बावजूद अकेले पांच सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। यानी इस बार तीन पार्टियों के बीच इन पांच सीटों पर रोचक मुकाबला रहने वाला है। चलिए एक बार पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालते हैं। 2019 में जम्मू कश्मीर एक राज्य था। 2019 में जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा सीटें हुआ करती थी, क्योंकि उस समय जम्मू कश्मीर में लद्दाख भी शामिल था। 2019 में 6 लोकसभा सीटों में बीजेपी ने 3 तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी 3 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या रहे रिजल्ट, चलिए आपको बताते हैं। जम्मू जुगल सीट से बीजेपी के किशोर शर्मा जीते थे। उधमपुर सीट से बीजेपी के जितेंद्र सिंह जीते थे। अनंतनाग सीट से जेकेएनसी के हसनैन मसूदी जीते थे। श्रीनगर सीट से जेकेएनसी के फारूक अब्दुल्ला जीते थे। बारामुल्ला सीट से जेकेएनसी के मोहम्मद अकबर लोन जीते थे। वहीं लद्दाख सीट से बीजेपी के जामयांग सेरिंग नामग्याल जीते थे। इस बार जम्मू कश्मीर में पांच चरणों में लोकसभा की पांच सीटों के लिए चुनाव होंगे और देश भर में लोकसभा चुनाव के परिणाम 4 जून को आएंगे। पहला चरण होगा 19 अप्रैल को, उधमपुर सीट पर चुनाव होगा। दूसरा चरण 26 अप्रैल को होगा, जम्मू सीट पर चुनाव होगा। तीसरा चरण 7 मई को होगा, अनंतनाग राजौरी सीट पर चुनाव होगा। चौथा चरण 13 मई को होगा, श्रीनगर सीट पर चुनाव होगा। पांचवा चरण 20 मई को होगा, बारामुल्ला सीट पर चुनाव होगा। जम्मू कश्मीर में इस बार कौन बाजी मारता है, ये देखना होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। साथ ही देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रीतम।